हेलो डियर स्टूडेंट, साक्षी केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 12th रासायनिक बलगति का पार्ट 5 लेकर आए हैं। अगर आपने हमारे पिछले पार्टों को नहीं देखा है तो कृपया चैनल पर जाकर देख लीजिए। आज की हम वीडियो में बात करेंगे सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा का निर्धारण यानी कि सक्रिय ऊर्जा का एक निगमन करेंगे, सक्रियण ऊर्जा का सूत्र प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार से हम प्रथम कोट की अपक्रिया का निगमन करते थे और द्वितीय कोट की अपक्रिया का निगमन, प्रथम कोट की अपक्रिया और द्वितीय कोट की अपक्रिया का निगमन हम आपको चैनल पे के वीडियो पर डाल चुके हैं, उसको आप देख लीजिए अगर आपने नहीं देखे हैं। बात करते हैं कि सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा आज हम निकालेंगे, इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं और बड़े ही आसानी से। आप क्या करें, वीडियो की लास्ट तक बने रहिए और बिल्कुल स्किप मत करिए। एक एक पॉइंट इतना ईजी है, इतनी अच्छे तरीके से आपको पता चलेगा कि सक्रियण ऊर्जा कब हो गया पता नहीं चलेगा, एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। तो देखते हैं एल एन के बराबर माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस एल एन ए। ये आपको एक सूत्र दिया गया है और इस सूत्र से हम सक्रियण ऊर्जा का निर्धारण करेंगे। तो आइए करते हैं। तो दो विभिन्न तापों के लिए T1 वा या कोमा कुछ भी कर लो, T2 का समीकरण में उपयोग करने पर हम क्या करेंगे, T1 व T2 का समीकरण हम उपयोग करेंगे। जो हमारा पिछली समीकरण हमें को दिया गया, जो पिछला वाला समीकरण हमको दिया गया, उसमें T1 और T2 यानी कि दो विभिन्न तापों के लिए, ताप पहला T1 और फिर ताप दूसरा T2, इन तापों को हम कहीं रखेंगे इसमें। तो आइए करते हैं। तो देखिए LNK है, लिख लीजिए LNK। T1 के लिए तो यहां 1 लगा दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, बराबर माइनस EA अपॉन RT। 1 के लिए 1 लगा दीजिए प्लस LNA। हो गया समीकरण मान लो पहला। समीकरण दूसरा देखो, LNK2 दूसरे के लिए, T2 के लिए, ये था T1 के लिए और ये था T2 के लिए। दो टेम्परेचर हमने लिए, K2 बराबर माइनस EA अपॉन RT2। T1 जा रखा था, T2 प्लस LNA, समीकरण मान लो दूसरा। अब क्या करते हैं, हमने दो समीकरण तो बड़े आसानी से बना लिए, उस वही था, उसमें कुछ नहीं किया, 1 लगा दिए, नीचे 2 लगा दिए, दो समीकरण बना लिए। जब दो समीकरण आपने बना लिए, अब क्या करेंगे, एक चीज देखेंगे कि हम क्या करेंगे, समीकरण पहला व दूसरा को घटाने पर, आइए घटाते हैं, इससे ये घटाते तो क्या होगा, LNK2 माइनस LNK1 बराबर माइनस ई ए बटे आर टी टू माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा और ई ए बटे आर टी वन। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखते हैं, बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको साफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो जाएगा, एल एन के 2 माइनस एल एन के 1 बराबर ये हो जाएगा आपका, ये इधर पे भी है ई ए और ये इधर पे भी है, आर इधर पे भी है, आर इधर भी है, ये कॉमन ले लेंगे। तो माइनस ई ए अपॉन आर कोष्टक में 1 अपॉन T2 प्लस 1 अपॉन T1, ये ले लिया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो LNK2 माइनस LNK1 बराबर ये क्या करेंगे, यहां पे हम करेंगे कि अंदर को माइनस करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये उधर पहुंच जाएगा, तो EA बटे R कोष्टक में 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, एक प्लस का एक माइनस का हो गया। तो LNK2 माइनस LNK1 बराबर EA अपॉन R, ये हो जाएगा T2 उधर पहुंच गया, तो T2 माइनस T1 बटे T1 इंटू T2 हो गया। अब देखते हैं, बात करते हैं, ये क्या यहां करें, क्या करेंगे, LNK2 बटे LNK1
बराबर ई ए, ई ए अपॉन आर कोष्टक में टी टू माइनस टी वन, टी वन इंटू टी टू, ये लिख सकते हैं या इसकी स्थान पर ये लिख दिया। हम क्या करेंगे एल एन को हटाएंगे, तो एल एन को हटाने के लिए 2.303 लॉग के टू बटे लॉग के वन बराबर ई ए अपॉन आर कोष्टक में टी टू माइनस टी वन बटे टी वन इंटू टी टू। अब क्या करेंगे कि के टू, तो लॉग के टू बटे लॉग के वन बराबर ई ए, ये जो 2.303 है नीचे आ जाएगा 2.303 आर कोष्टक में टी टू माइनस टी वन बटे टी वन इंटू टी टू, ये जो आपका निकल गया है यही है सक्रिय ऊर्जा का समीकरण। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं, हमें एक सूत्र दिया गया कि एल एन के बराबर माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस एल एन ए, दो विभिन्न तापों के लिए टी वन व टी टू का समीकरण उपयोग कर किया हमने, तो एल एन के टी वन के लिए और माइनस ई ए अपॉन आर टी वन प्लस एल एन ए जैसा लिखा था बस यहाँ पे वन लगा दिया, समीकरण सेकंड में जैसा लिखा है टू टू लगा दिया, हमने क्या किया समीकरण पहले और दूसरे को हटाया है कि के टू माइनस के टू वही लिखा है एल एन और ये लिखा है माइनस ये देखो हटा, ये क्या ये कॉन्सेप्ट ये ऐसा है कि जैसे इससे घटेगा एक प्लस एक माइनस का दोनों क्रॉस हो जाएंगे, एक प्लस का रहेगा एक माइनस का, इससे घटा रहे तो एक प्लस पहले से एक माइनस का हो जाएगा तो कट जाएंगे, जैसे ही कट जाएगा तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रही। अब आइए बात करते हैं एल एन के टू माइनस एल एन के वन बराबर माइनस ई ए अपॉन आर और इसको ले लिया कॉमन वन अपॉन टी टू प्लस वन अपॉन टी वन, ये हम क्या करेंगे कि माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये उधर पहुंच जाएगा, ये उधर आ जाएगा तो एक प्लस का रह जाएगा एक माइनस का हो जाएगा टी टू माइनस टी वन, ये टी वन इंटू टी टू। एल एन के टू बराबर एल एन के टू अपॉन एल एन के वन बराबर ई ए अपॉन आर कोष्टक टी टू माइनस टी वन इंटू टी टू। 2.303 ये हमने एल एन को खत्म करने के लिए लगाया, 2.303 लॉग के टू बटे लॉग के वन बराबर ई ए अपॉन आर ये लिख दिया। फिर हमने क्या किया कि 2.303 को उधर ले गए तो जैसे हमने गुणा में थे भाग में ले गए तो लॉग के टू बटे लॉग के वन बराबर ई ए अपॉन 2.303 आर कोष्टक में टी टू माइनस टी वन, टी वन इंटू टी टू। यानी कि अगर इस समीकरण से आपको कोई भी निर्धारक से अगर प्रॉब्लम आई हो तो कृपया कमेंट करिए, इससे काफी सवाल लगते हैं, बहुत ही इजी था। अगर आप क्या करें कि एक दो बार इसको रिवीजन कर लीजिए, इसका क्या करें आप एक कॉपी ले लीजिए और कॉपी पे एक दो बार प्रैक्टिस कर दीजिए, एक दो बार प्रैक्टिस जैसे ही आप करेंगे वैसे ही आपको आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर इस वीडियो से अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप कृपया एक बार कमेंट करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।